तो हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है ना तुम लोगों का इस सिलेबस में वो है एपी, ठीक है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सर अब देखो ये, हाँ बोलो सर, आप कौन से सिलेबस से बोल रहे हैं कि फोर्थ आएगा सेकंड टर्म में? तुम लोग के स्कूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो तुम लोग का बांटा जाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो किसी किसी स्कूल में ये वेरी कर सकता है, कोई कोई स्कूल तुम्हारा क्वाड्रेटिक पूछ लेता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड टर्म में पूछता है। क्लियर है? बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे हैं, बोर्ड्स में तुम लोग का पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है, हर एक चैप्टर आएगा, क्योंकि अभी तक कोई सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। क्लियर है? ये सर। तो देखो तुम लोग का है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, इसमें नंबर्स का हम लोग बात करेंगे, है ना, नंबर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। नंबर्स को किसी सर्टेन रूल लगा दिया जाए, नंबर में अगर तुम्हारा कोई रूल लगा दिया जाए तो फिर नंबर किस तरीके से काम करता है, हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले। और देखो दूसरा वर्ड है क्या है, प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो प्रोग्रेशन क्या है, जैसे कि आप लोग स्कूल में आप लोग का जो रिजल्ट मिलता है ना, तो आपके गार्जियन को बुलाया जाता है, ठीक है, आपके गार्जियन को बुलाया जाता है तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड देने के लिए, तो उसपे देखना लिखा रहता है क्या, प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। भले ही तुम्हारा कोई स्टूडेंट फेल कर जाए, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं लिख के देता है ना स्कूल वाला कि ये लो फेलियर रिपोर्ट है, नहीं, उसमें लिखा रहता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, ठीक है, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो इसी तरीके से हम लोग का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका सीरीज, उसमें जो तुम्हारा वैल्यूज आएगा वो पॉजिटिव में भी जा सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, या जो गिवन तुमको क्वेश्चन दे के रखेगा उसके अकॉर्डिंग। अब देखो ध्यान, हम लोग का इसमें कुछ टर्म्स आता है, जैसे क्या, सीक्वेंस, सीक्वेंस। अब देखो सीक्वेंस क्या होता है, देखो किसी भी चीज का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट सीक्वेंस कहलाता है, ध्यान से सुनना, किसी भी चीज का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट सीक्वेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आप स्कूल में किसी क्लास में जब आप बैठते हैं, ठीक है, तो आप जब बैठते हैं तो देखना एक रो में पूरा क्या हो रहा है, गर्ल्स स्टूडेंट्स बैठ रही हैं, ठीक है, एक रो में देखो तो पूरा बॉयज स्टूडेंट बैठ रहा है, ठीक है ना, बैठता है ना, तो इसका मतलब है क्या कि वहां पर भी देखो तो सीक्वेंस लगाया गया है कि कौन सा स्टूडेंट किस तरीके से बैठे, ठीक। दूसरा एग्जांपल समझो, जैसे मान लो कि तुम असेंबली ग्राउंड में खड़े होते हो स्कूल में जाके, असेंबली ग्राउंड में, तो असेंबली ग्राउंड में क्या देखते हो कि हाइट वाइज स्टूडेंट्स को लगाया जाता है, ठीक है, कि छोटा हाइट वाला स्टूडेंट आगे रहेगा और सबसे लंबा वाला स्टूडेंट क्या होगा, पीछे रहेगा। क्या है, किसी भी चीज का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट जो होगा वो तुम्हारा क्या, सीक्वेंस कहलाएगा। तो हम लोग इस चैप्टर में सीक्वेंस देखेंगे, सीरीज में क्या, सीक्वेंस में प्लस या माइनस का साइन लगा दो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सीरीज बन जाएगा। अब देखो मेन चीज जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है एपी के बारे में, कोई भी वैल्यू या कोई भी टर्म कब हम लोग बोलेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो देखो अगर मान लेते हैं यहाँ पर मेरा एक सीरीज सीक्वेंस दिया हुआ है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर डॉट 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 ए एन, ये मेरा कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर डॉट 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 ए एन, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू हो सकता है, वेरिएबल है, आप इसमें कोई वैल्यू डाल सकते हैं। अब जरा सा गौर करना, ये एपी होगा एक ही कंडीशन में, अगर अगर हम लोग सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करें, ठीक है, मतलब प्रीसीडिंग टर्म में, ठीक है, तुम्हारा जो सक्सीडिंग टर्म है, आगे वाला टर्म है, सक्सीडिंग टर्म में अगर प्रीसीडिंग टर्म माइनस किया जाए और डिफरेंस सेम आए, ठीक है ना, डिफरेंस कॉमन आए, तो बोलेंगे कि एपी में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम ए टू में ए वन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ए टू में ए वन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और तुम्हारा क्या ए फोर में ए थ्री सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ए फोर में ए थ्री सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर तुम ए थ्री में ए टू सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर इस सब का डिफरेंस कॉमन आएगा, अगर इस सब का डिफरेंस कॉमन आएगा तो ही ये टर्म एपी में होगा, वरना एपी में नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो हम लोग लिखते हैं टू फोर सिक्स एट टेन डॉट 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 डॉट, लिख देते। अब गौर करना कि अगर हम लोग फोर में टू सब्ट्रैक्ट करें, सिक्स में फोर सब्ट्रैक्ट करें, देखो इसमें इसको, इसमें इसको, है ना, सिक्स में फोर सब्ट्रैक्ट करें,
एट में सिक्स सब्ट्रैक्ट करे, टेन में एट सब्ट्रैक्ट करे, अब गौर करके बताना कि सब में डिफरेंस कितना आ रहा है। सब में कितना आ रहा है? टू आ रहा है। वेरी गुड, टू आ रहा है। सब में तुम्हारा डिफरेंस टू आ रहा है। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये एपी में है, हाँ या ना? यस सर, यस सर। तो एपी होने के लिए क्या हुआ, थ्रू आउट दिस सीरीज, पूरे सीरीज में तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम्हारा कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। पूरे सीरीज में तुम्हारा कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आ गया बात समझ में? यस सर। बात समझ में आ गया? यस सर। यस सर, ठीक है। अब देखिए इसी एपी में एग्जांपल में लिख लो, इसको लिख लो और ऐसे लिख लो, फॉर बीइंग एपी, एपी अ सीक्वेंस और सीरीज मस्ट हैव सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। इसको नोट करके जरा सा नोट कर लो सर, सीक्वेंस एक बार फिर से बता दीजिए ना। देखो किसी भी चीज का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट सीक्वेंस कहलाता है, किसी भी चीज का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट सीक्वेंस कहलाता है। जैसे देखो ध्यान, अगर हम ऐसे नेचुरल नंबर लिखते हैं, हम बोल रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर है, तो वन के बाद क्या आएगा? टू। वन के बाद क्या आएगा? टू। टू आएगा, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर। तो देखो ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, तो ये सीक्वेंस है। लेकिन अगर कोई ऐसे लिख दे, टू लिख दिया, फिर वन लिख दिया, फिर फाइव लिख दिया, फिर थ्री लिख दिया, अब देखो क्या ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है? नो सर। तो ये सीक्वेंस नहीं है, क्लियर है? यस सर। सर एग्जाम में डेफिनेशंस पूछता है क्या? एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा? तुम लोग बोर्ड देने वाले हो, बोर्ड स्टूडेंट से अब डेफिनेशन पूछेगा कि सीक्वेंस सीरीज ये सब का, एपी का डेफिनेशन, ये सब कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है जी, बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो गौर करना, जैसे इसी में देखो ध्यान से, तुम लोगों का स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, इधर गर्ल इधर बॉयज, तो ये एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है, सीक्वेंस। लेकिन अगर ऐसे बैठा दिया जाए इसी क्लास में, अब यहाँ पर बॉय हो गया, गर्ल हो गई, बॉय हो गया, गर्ल हो गई, गर्ल हो गई, गर्ल हो गई, ठीक है, इधर बॉय हो गया, गर्ल, ठीक है, बॉय गर्ल गर्ल। अब बताओ क्या ये तुमको अरेंजमेंट अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ये अरेंजमेंट? नो सर। समझ है, क्लियर है? क्लियर है ना जी? यस सर। हो गया जी? हो गया? यस सर। ओके, देखो अपने पास क्या आएगा, हम लोग को जनरल टर्म लिखना होगा एपी का। गौर करना ध्यान से, कुछ बता रहे हैं समझ में आएगा अच्छे से। देखो हम लोग के पास जो एपी होगा, इसको हम लोग लिखे ए वन, इसको लिखे हम लोग ए टू, फिर लिखे ए थ्री। देखना गौर करना, समझते जा, ए फोर, ए फाइव, डॉट डॉट डॉट, ए एन लिख दिए, ए एन लिख दिए। ठीक, अब बताओ ये इसको क्या हम लोग फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, हाँ या ना? क्योंकि ये पहला टर्म है, इसका नाम लिख क्या, फर्स्ट टर्म। अब बताओ क्योंकि ये लास्ट टर्म है, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, और ये कौन सा टर्म होगा हम लोग को नहीं पता। जैसे देखो अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 100 लिख दिया जाए, तो ये 100वां टर्म हो जाएगा, हाँ क्या ना? अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 1000 लिख दिया जाए, तो ये तुम्हारा 1000वां टर्म हो जाएगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब है कि हम लोग को n का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, n का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, nth टर्म। क्या बोलते हैं? nth टर्म।
nth टर्म, nth टर्म में क्या है, n का कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है। बोलिए कोई डाउट है? बोलिए कोई। आप देखो एक चीज और बताओ, अगर हम लोग a2 में a1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, a2 में a1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, a3 में a2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, d आएगा, ठीक है, d आएगा। और d क्या है, कॉमन डिफरेंस, बोलो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना, यस सर, बोलो क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है जी? यस सर। ओके गुड, चलो अब अगर यहाँ तक क्लियर है ना तो एक चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तुम लोगों को गौर करना, ध्यान से सुनो। देखो हम लोगों को पहला टर्म था, पहला टर्म, अच्छा इसको एक चीज देखो, इसी से आप तुम लोग सारा चीज सीख जाओ, इसी को देखो। अगर तुमको ए टू को लिखना है, ए टू को देखो, ए वन माइनस ए टू माइनस ए वन कॉमन डिफरेंस आएगा, तो अगर तुमको ए टू को लिखना है तो ए टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी प्लस ए वन, या फिर ऐसे को क्या, इसको हम लोग ए वन प्लस डी लिख सकते हैं ए टू को, हाँ के ना, बताओ हाँ के ना, यस सर, यस सर, लिख सकते हैं। तो अब इसी से देखो हम लोग क्या बनाएंगे, जनरल टर्म ऑफ एपी बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी बनाएंगे हम लोग। देखो जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, गौर करना। देखो इसमें अगर फर्स्ट टर्म को लिखना है ए वन, देखो जनरल टर्म ऑफ एपी होता क्या बता दे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये देखो फॉर्मूला है जनरल टर्म लिखने का, फॉर्मूला है जनरल टर्म लिखने का, इसमें आप कोई भी टर्म लिख सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके, देखते जाइए गौर करिए। अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो एन के जगह पे क्या बैठाएंगे, फर्स्ट टर्म चाहिए तो एन के जगह पे वन, वन, वेरी गुड, फर्स्ट टर्म चाहिए तो एन के जगह पे वन, तो ए वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए प्लस एन के जगह पे क्या हो जाएगा, एन के जगह पे क्या पुट किए हम लोग, वन माइनस वन इंटू डी, वन माइनस वन क्या होगा जीरो, तो ये क्या आएगा, ये क्या आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा। देख लो फर्स्ट टर्म हम लोग का ए ही है ना, ए वन बोलो या ए बोलो कोई फर्क पड़ता है क्या, नो सर, कोई फर्क पड़ता है नहीं, गुड। अब देखो सेकेंड टर्म ए टू लिखते हैं, तो ए टू के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए प्लस यहाँ पे n के जगह पे कितना लिखेंगे, n के जगह पे कितना लिखेंगे, टू, टू माइनस वन इंटू डी, अब बताओ टू में से वन जाएगा कितना बचेगा, वन, वन क्या बचेगा, a प्लस डी। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज आया था कि a2 क्या था, a2 मेरा आया था a प्लस डी, आया था कि नहीं आया था, हाँ के ना, यस सर। यहाँ पर अगर हम लोग निकालते हैं ए थ्री, तो ए थ्री के लिए क्या आएगा बताओ, तो ए प्लस एन के जगह पे थ्री माइनस वन इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, ठीक है, ऐसे ही आते जाएगा। उसी तरीके से अगर ए एन डाल दिया जाए, एन एथ टर्म डाल दिया जाए, एन कुछ भी हो सकता है, हंड्रेड हो सकता है, थाउजेंड हो सकता है, लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर n डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ पर n माइनस वन इंटू, है ना, यही चीज आते जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ, बोलो, नो सर, कोई दिक्कत है, no, बोलो नहीं, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, सर, बोलो सर, मैथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, मतलब फिर से बता सकता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है एक ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम,
एक ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम, ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो एपी में होगा, ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो एपी में होगा, क्लियर है? बिल्कुल हाँ सर। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नोट कर लो सब कुछ। नोट कर लो नोट कर लो। नोट कर लो। हाँ जी हो गया, एक मिनट। श्रुति प्राची समझ में आया? यस सर। ज्योतिका साक्षी आपको समझ में आया? यस। अभिजीत अर्पित ऋषभ थोड़ा साइड होइएगा ना। यस। हाँ सर हो गया सर। हो गया यस सर। यस सर आगे बढ़ते हैं सर, यहाँ तक जो कोई डाउट नहीं है ना? हाँ सर। हाँ बोलो, डाउट है? देखो अब क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सो दैट द प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन 8, 11, 14 17, 20 is in AP. Find its first term and the common difference. Banao. Find its first term. Common difference. Sir, its first term is 8 and sir, first term 8, 3. First term 8 or common difference? 3. Very good. कैसे वेरीफाई किया जाएगा? ऐसे देखो, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आने का बहुत ही कम चांस है, आएगा भी तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, एग्जाम में आने का बहुत कम चांस है, आएगा भी तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म वही होता है जो तुम्हारा पहले दिया जाए, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 8 हो गया और कॉमन डिफरेंस पूछा जाए तो हम लोग कॉमन डिफरेंस वेरीफाई करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, 3-4 करके दिखा दे, जैसे 11 में 8 सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3, 14 में 11 सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3, ऐसे करके 3-4 दिखा देंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट?
सर इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? वेरीफाई देखो ऐसे करेंगे, 11 में 8 सबट्रैक्ट किए कितना आया 3, और 14 में 11 सबट्रैक्ट किए कितना आया 3। इसका मतलब है कि 8 - 11 = 14 - 11। अब देखो इसका मतलब है कि a2 - a1 = a3 - a2। यही ना पढ़े थे हम लोग कि अगर सक्सेडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना, मतलब आगे वाले टर्म में अगर पीछे वाला टर्म माइनस किया जाए और कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम आए तो वो एपी में होता है, यही ना सीखे हम लोग, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है श्रुति, समझ में आ गया? हाँ सर समझ। ओके नोट कर लो सबको, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन। देखो अगर डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कोई डाउट होगा, समझने में कहीं प्रॉब्लम होगा तो रोक के पूछ लेना। जब अगला क्वेश्चन है कि फाइंड ए एंड बी सच दैट द नंबर ए 9 बी 25 फॉर्म एन एपी। बनाओ। देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड ए और बी, ए भी फाइंड करो कि जिसके हिसाब से ये एपी में हो जाए। सर आपका वीडियो रुक गया। क्या हो गया? वीडियो रुक गया सर। सबके साथ ही प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नो सर। अभी ना प्रॉब्लम हो रहा है, रिज्वाइन करो। हाँ जी, किसका आ गया आंसर? बन गया। बन गया सर, एक मिनट। आंसर आया? प्राची बना? सर बना रहे हैं। सर ए इज इक्वल टू 18, बी इज इक्वल टू 17। ए इज इक्वल टू कितना? ए इज इक्वल टू 18, बी इज इक्वल टू 17। बाकी लोगों का क्या आया?
देखो हम लोग सीखे हैं कि एपी होगा सर एज इक्वल टू 1 बेस इक्वल टू 17 हम लोग पढ़े क्या कि अगर एपी होगा तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस किया जाए मतलब आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म को माइनस किया जाए तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो इसका मतलब है कि 9 माइनस ए जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा देखो 9 माइनस ए जो होगा वो मेरा बी माइनस 9 होगा वो मेरा बी माइनस 9 होगा और सेकंड देखो तुम्हारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा कि बी माइनस 9 जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 25 माइनस बी के बराबर होगा बोलो हाँ के ना हाँ के ना तो यहां देखो इस ए को इधर ले आओ 9 को इधर ले आओ तो 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू बी प्लस ए बोलो कोई दिक्कत है इधर देखो इस बी को उठा के इधर ले आओ तो बी प्लस बी इज इक्वल्स टू 25 प्लस 9 हाँ के ना बताओ कोई दिक्कत है बताइए तो 2b इज इक्वल टू कितना हो गया 34 तो b इज इक्वल टू हो गया कितना 17 यहां पर देखो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 18 और b का वैल्यू निकल चुका है क्या 17 b का वैल्यू यहां पे 17 डाल दो तो 18 इज इक्वल टू 17 प्लस a मतलब 18 माइनस 17 इज इक्वल टू a तो a का वैल्यू तुम्हारा 1 निकल गया बोलो कोई डाउट आया समझ में आया जी यस सर हो गया जैस्मिन आया समझ में यस सर ओके कोई डाउट तुम लोग का प्राची नो सर साक्षी यस सर ज्योतिका आपसे बन गया था गुड श्रुति तुम्हारा एक आंसर गलत था ए इज इक्वल्स टू 1 होगा ए इज इक्वल्स टू 18 होगा क्लियर है यस सर ओके अभिनव आपको आया समझ में अभिजीत ऋषभ अर्पित आपको यस सर गुड वेरी गुड चलो आगे बढ़ते हैं देखो अगला क्वेश्चन फाइंड द नंबर 1 nth टर्म एंड नंबर 2 16th term of the AP three, five, seven, nine, 11 dot 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 देखो तुमको क्या find करना है nth term find करना है nth term का formula क्या था जी सर ए प्लस एन माइनस वन होल डी nth टर्म का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वेरी गुड चलो ये फॉर्मूला तुम्हारे एपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में से एक दो तीन फॉर्मूला है जिसमें से दो तीन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें से एक ये वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा इसी सब फॉर्मूला से आएगा नोट करके रखना तो यहां पर अब आ जाओ तो फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म जिसको ए से डिनोट करते हैं तो फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास क्या है गौर करना थ्री देख लो फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारे पास थ्री हाँ के ना बोलो जी फर्स्ट टर्म थ्री है ना यस सर यस और बताओ कॉमन डिफरेंस कितना है कॉमन डिफरेंस टू टू वेरी गुड टू है
फाइव में से थ्री जाएगा तो टू, सेवन में से फाइव जाएगा टू, तो कॉमन डिफरेंस टू है अपने पास, सही है। अब देखो हम लोग को nth टर्म फाइंड करना है, तो an फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म अपने को पता है कि फर्स्ट टर्म हमारा थ्री है, तो हम थ्री पुट कर देंगे, प्लस n का वैल्यू हमको नहीं पता है ना, क्योंकि nth टर्म फाइंड करना है, माइनस वन इंटू d का वैल्यू पता है टू, तो यहाँ पे d के जगह पे टू पुट कर देंगे, सॉल्व कर दो। तो an इज इक्वल टू क्या आ गया, थ्री प्लस टू एन माइनस टू, तो nth टर्म क्या निकल के आ गया जी, देखो यहाँ पे थ्री में से टू गया, कितना बचा, वन ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत इसमें, नो सर, नो सर। अब देखिए क्या पूछा था अपने से, सिक्सटीन टर्म क्या होगा, मतलब एन सिक्सटीन पूछा है अपने से, इसी में पुट कर दो आंसर आ जाएगा, इसी में पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, या चाहो तो इसमें पुट करो, किसी में पुट करो, एक ही बात। तो देखो अपने अपने से n 16 पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, n के जगह फिर 16, तो जहां जहां n है वहां वहां 16, तो 2 into 16 plus 1, मतलब a 16 का वैल्यू क्या आ गया, देखो तो 16 टू जा 32 plus 1 33, तो a 16 निकल के आ गया तुम्हारा 33। बोलो कोई डाउट, बोलो जी कोई डाउट, नो सर, ओके, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। नोट हो जाएगा बताना, हो गया नोट, श्रुति आया समझ में, प्राची आपको, यस सर, जैस्मिन, ज्योतिका, साक्षी, अर्पित, अभिनव, सर, हाँ बोलो, ये n माइनस वन nth टर्म है, nth टर्म है, हाँ nth टर्म है, अब ये n, हाँ बोलो, an क्या है तब, देखो यही an ही तो तुम्हारा nth टर्म है ना, nth टर्म का मतलब क्या था श्रुति, देखो a1 a2 a3 डॉट 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 an, अब ये वाला देखो, ये वाला nth टर्म है, यहाँ पर n का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना श्रुति, यस सर, तो जो भी वैल्यू तुम इसमें चेक कर लो, तुम वन डालो तो देखो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, टू डालो तो देखो सेकेंड टर्म आ जाएगा, थ्री डालो तो थर्ड टर्म आ जाएगा, अगर हंड्रेड टर्म डाल दो, हंड्रेड डाल दो n के जगह पे, तो 100 टर्म का क्या वैल्यू होगा इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, बात समझ में आ रहा है, यस सर, किसी को और किसी को कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं, देखो डाउट होगा किसी को तो बताना, यही क्लियर होगा, ठीक है, देखो क्वेश्चन अगला, इफ द nth टर्म, इफ द nth टर्म of an AP is 5n minus 2, 5n minus 2, find its number 1 first term, number 2 कॉमन डिफरेंस, नंबर थ्री 19th टर्म, बताओ
19th टर्म बताओ, बोल रहा है कि अगर हम लोग nth टर्म को डिनोट करते हैं 5n-2 से, nth टर्म को डिनोट करते हैं 5n-2 से, तो आप बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा और 19th टर्म क्या होगा। nth टर्म का फॉर्मूला तुमको पता है, उसका भी लगाने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को an का वैल्यू दे रखा है। सॉल्व करके बताओ तीनों का आंसर। सर आ गया, आ गया, क्या क्या है बताओ जल्दी से। सर फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 5, सर फर्स्ट टर्म 3, कॉमन डिफरेंस 5, 19th का, और 19th टर्म पाया है 93, कितना 93। हाँ जी, और किसका किसका आया? सेम आंसर, सेम आंसर मेरा आ गया, सेम आंसर आपका आ गया। अलग है क्या सर? मेरे को समझ नहीं आया। आपको समझ में नहीं आया किसको? श्रुति को? यस। अच्छा हाँ जी, क्या श्रुति क्या दिक्कत हुआ बताओ? सर मतलब क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्वेश्चन नहीं समझ में, देखो श्रुति बोला ना कि nth टर्म जो है वो 5n-2 है। अब बताओ nth टर्म क्या होता है, मतलब an, हाँ के ना? Yes, बोलो sir। और an का वैल्यू क्या दिया है? 5n-2, हाँ के ना? Yes, sir। गौर करना, nth टर्म का मतलब an, श्रुति राइट है? Yes, sir। और इसका वैल्यू तुमको दिया है 5n-2, यस और नो? Yes, sir। अब एक चीज बताओ, अगर हम लोग यहाँ पे n के जगह पे 1 डालेंगे, अगर हम लोग n के जगह पे 1 डालेंगे तो जहां जहां n है वहां वहां पे क्या डालेगा? 1। तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो? 5 × 1-2 होगा। Yes, sir। तो 5 − 2 कितना आ जाएगा? 3। मतलब a1 का वैल्यू 3, फिर उसी तरीके से a2 डालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 5 × 2-2 कितना आ जाएगा? 5 × 2 = 10, 10 कितना हो जाएगा? 8। 10 − 2 कितना हो जाएगा? 8। उसी तरीके से और निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तुमसे कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म तुमको पता चल गया कि 3 होगा, फर्स्ट टर्म पता चल गया कि 3 होगा, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया क्या होगा? Yes, कॉमन डिफरेंस ही पता चल गया क्या होगा? Yes, sir। Yes, sir। तो कॉमन डिफरेंस हो गया a2 − a1 दैट इज इक्वल्स टू 8 − 3 विच इज 5, राइट? Yes, sir। सही है। अब 19th टर्म, 19th टर्म क्या होगा? 19th टर्म क्या होगा निकाल लो। सर n की जगह पे 19 बैठा देंगे। बिल्कुल, बोलो किसी को कोई दिक्कत? सर 19th टर्म 93 होगा। हाँ बिल्कुल 93 होगा, क्योंकि यहाँ हो जाएगा तुम्हारा देखो 19 × 5 = 95 हो जाएगा, और 95 × तुम्हारा 95 में से 2 जाएगा तो 95, ठीक है। तो निकल गया सर, कोई दिक्कत? हाँ जी बोलो, क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड्स एग्जाम में
तीन बार पूछा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में तीन बार पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ इट्स 6th and 10th term is 44. Find the first term of the AP. फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ट्राई करो सब। सर फर्स्ट टर्म इज माइनस 13। फर्स्ट टर्म इज माइनस 13। ओके वेरी गुड, फर्स्ट टर्म इज माइनस 13। और किसका किसका बना? और किसका किसका बन गया जी? देखो द फर्स्ट टर्म एंड द फोर्थ टर्म द फाइंड द सम ऑफ, सुनो सुनो क्या बोल रहा, सम ऑफ फोर्थ टर्म प्लस एट टर्म, ठीक है। देखो द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड द एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ये है 24, फोर्थ टर्म और एट टर्म का सम है 24। अब जरा सा बताओ फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं? ऐसे होता है ना, जनरल फॉर्मूला क्या है? देखो तो जनरल फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बताओ तुमको फोर्थ टर्म चाहिए तो आप ए फोर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? ए प्लस, देखो फोर माइनस वन इंटू डी मतलब क्या, फोर्थ टर्म को तुम ए प्लस थ्री डी लिख सकते हो, ए प्लस थ्री डी लिख सकते हो, हाँ के ना? देखो क्या फोर्थ टर्म को ए प्लस थ्री डी लिख सकते हो, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो एट टर्म को फिर से क्या होगा, हमेशा याद रखना जिस टर्म के बाद में, जिस टर्म के बारे में लिखा जाए हम लोग ए प्लस उससे एक कम लिखते हैं। फोर्थ टर्म बोला तो 3d, एट टर्म बोलेगा तो 7d। समझ में आ रहा है बात? हाँ या ना, हाँ या ना? तो फोर्थ टर्म को लिखेंगे ए प्लस 3d और एट टर्म को क्या लिखेंगे, ए प्लस 7d इज इक्वल टू 24। बोलो समझ में आ रहा है? श्रुति तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, देखो डाउट होगा बताना, किसी को भी डाउट लगे बताना। अभिनव समझ में आ रहा? अर्पित? यस सर। ज्योतिका? साक्षी? देखो अब देखो ए प्लस ए क्या हो गया, 2a, 7d प्लस 3d कितना हो गया, 10d इज इक्वल टू 24। देखो 2 कॉमन निकल रहा है ना, 2 कॉमन निकल रहा है तो 2 कॉमन निकाल लिए तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 24, मतलब a प्लस 5d 2 ला के डिवाइड कर दिए कितना बचेगा, 12। पहला निकल गया। दूसरा इक्वेशन देखो क्या था, द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44।
ठीक है, सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का जो सम है वो 44 है, ठीक है 44 है। देखो मतलब सिक्स्थ टर्म प्लस टेंथ टर्म का सम जो है वो है 44। तो सिक्स्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d और टेंथ टर्म को क्या लिख सकते हैं a प्लस 9d इज इक्वल टू 44 है। तो देखो a प्लस से क्या हो गया 2a है ना, 5d और प्लस 9d कितना हो गया 14d इज इक्वल टू कितना हो गया 44। तो देखो 2 कॉमन निकलेगा तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। हाँ के ना बताओ, हाँ के ना? यस सर, यस सर। क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, एपी का पहला टर्म क्या होगा ये बताओ। तो एपी का पहला टर्म निकालने के लिए क्या हम लोग यहाँ पे डी को कैंसिल करके हटा सकते हैं, हाँ या ना? तो अपने पास देखो इक्वेशन क्या आ गया, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और तुम्हारे पास क्या आ गया a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ठीक है, हम क्या कर देते हैं इसको 7 से इंटू कर देते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं 5 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, कितना आ रहा है बताओ, ये 7 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 35d, 35d और ये कितना हो जाएगा 72। ठीक है, ये 84। ठीक है ना, क्लियर है? नीचे वाला देखो, ये क्या हो जाएगा 5a प्लस कितना हो जाएगा 35d इज इक्वल टू 22 × 5 = 110। देखो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कितना हो गया 35d से 35d कैंसिल आउट, अब माइनस 110 में 84 जाएगा, कितना बचेगा जी, इधर हो गया तुम्हारा 26 माइनस 26, तो ये हो गया माइनस 26 और इधर कितना बचा टू ए, तो a का वैल्यू आ गया तुम्हारा माइनस 13। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, जिसका नहीं बना था नोट कर लो। हो गया जी? यस सर। बोलो किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा रहता है, ये 3 साल कंटिन्यूअस पूछा गया था तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि इज 51, इज 51 अ टर्म, टर्म ऑफ एपी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। देखो क्वेश्चन क्या पूछा तुमसे कि क्या 51 जो है, क्या 51 जो है इसी एपी का टर्म है, हाँ या ना? क्या 51 जो है इसी टर्म का एपी है, आपसे ये सवाल पूछा गया है, बताइए। तो 51 को तुमको क्या लेना है, nth टर्म ट्रीट करना है। 51 को तुमको क्या करना है, nth टर्म ट्रीट करना है, मतलब तुम्हारे पास, तुम्हारे पास an इज इक्वल टू 51 दिया हुआ है। an का फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करके बताओ। an
No, sir. Question आया समझ में? Yes, sir. 51 is not the term of AP. Very good, Prachi. Very good. तुम लोग बताओ, बाकी लोग? ज्योतिका आपका आया, जैस्मिन, श्रुति, प्रतीक, ऋषभ, अर्पित आप लोग का, अभिनव, इट इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी. देखो हम लोग के पास an इज इक्वल टू 51 है, चेक करना है कि हाँ ये एक्चुअली में इसका पार्ट है कि नहीं पार्ट है. तो हम लोग मान लेते हैं कि पार्ट है, चलो और कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास. अब an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो देखो फर्स्ट टर्म इस ap का क्या है, a इज इक्वल टू 5 है और d इज इक्वल टू, देखो तो 8 माइनस 5 मतलब 3 है. ठीक है, तो an जो है 51 है, an के जगह पे 51 लिख सकते हैं. तो 51 इज इक्वल टू a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5. हाँ किसी को कोई दिक्कत? a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d, और d के जगह पे लिख सकते हैं 3. अब देखो ये 5 इधर आके तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो 51 में 5 गया इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3. 51 में 5 जाएगा कितना बचेगा, 46 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3. अब 3 इधर आएगा मल्टीप्लाई में है, दुबई डिवाइड में आ जाएगा. तो 46 बाई 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1. अच्छा ठीक है, तो 46 माइनस 3, माइनस एन को इधर ले आओ तो प्लस एन हो जाएगा, मतलब प्लस 1 हो जाएगा. माइनस 1 को लाओ तो प्लस 1 हो जाएगा. आगे देखो सब, अब बताओ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 46 प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू एन. 46 और 3 कितना हो जाएगा, 49 बाई 3. अब देखो 49 3 से कटता है, नो सर. 49 3 से कटता है जी, बताइए. नो सर, नहीं कटता है, क्योंकि 49 3 जो है 49 का फैक्टर नहीं है. और एक चीज बताओ, क्या कभी भी कोई टर्म फ्रैक्शन में हो सकता है? हमसे अगर पूछा जाएगा कि टर्म नंबर 1.5, ये क्या पॉसिबल है? फर्स्ट टर्म होगा या सेकंड टर्म होगा या थर्ड टर्म होगा, हमेशा क्या होगा, वो नेचुरल नंबर में होगा, फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता है. यस और नो, हो सकता है? यस सर. हाँ बिल्कुल, वेरी गुड. तो इसका मतलब है क्योंकि n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स हम लोगों को 51 जो दिया था वो तुम्हारा एपी में, एपी का टर्म नहीं है, नहीं होगा. वेरी गुड, नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब. नोट कर लीजिए, नहीं होगा, सब बस नोट कर लो. हो गया नोट? हो गया जी नोट? यस सर. ओके, अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर. ठीक है, तो देखिए आप लोगों का होमवर्क है, एपी का पहला एक्सरसाइज बनाओ, एनसीईआरटी से बनाओ, और आरएस अग्रवाल का एग्जांपल भी बनाओ. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? देखो इस चैप्टर से एनटीएससी ओलंपियाड
ठीक है, आईआईटी फाउंडेशन तक का क्वेश्चन बन जाता, ठीक है ना। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है 11th 12th में, और इसको तुम और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो अच्छे से कमांड बना के पढ़िएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? नो सर। ओके चलिए ठीक है, क्वेश्चन बनाइए, जो भी डाउट आएगा नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर।